कैमरे का इस्तेमाल फोटो वीडियो या फिर सेल्फी लेने के लिए करते हैं? शायद आप बोलेंगे हाँ, बट दोस्तों क्या आपको मालूम है कि इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे काम है जो इसमें आप अपने कैमरे का इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज ऐसी ही कुछ इनक्रेडिबल चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ जिसमें आप अपने कैमरे का इस्तेमाल करके बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं, बट आपको जरूरत होती है कुछ ऐसी एप्लीकेशन की जो आपको ये करने में मदद करे। तो दोस्तों चलिए लास्ट तक का ये वीडियो देखते रहिए, चलिए मैं आपको बताऊंगा कि कौन से वो इनक्रेडिबल काम है जो आप अपने मोबाइल के कैमरे से कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए लास्ट तक का ये वीडियो देखते रहिए, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप अपने मोबाइल के कैमरे का यूज जासूसों को पकड़ने के लिए कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ कोई प्रोफेशनल जासूसों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन जासूसों की बात कर रहा हूँ जो आपकी गैर मौजूदगी में आपके मोबाइल में ताक झाक करने की कोशिश करते हैं। जब कभी हम अपने मोबाइल को कहीं रख देते हैं तो हमारे फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स या फिर कोवर्कर्स, क्लासमेट्स, रूममेट्स हमारे मोबाइल में ताक झाक करने की कोशिश करने लग जाते हैं, फिर उसके बाद वो पासवर्ड वगैरह इंटर करने लग जाते हैं। तो ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए भी आप अपने मोबाइल के कैमरे का यूज कर सकते हैं। सिंपली आपको करना क्या होगा, क्रूप कैचर नाम का एक एप्लीकेशन आता है जिसको आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करके फिर उसके बाद एक्टिवेट कर देना होगा। फिर उसके बाद जब कभी कोई आपके मोबाइल में रॉन्ग पासवर्ड इंटर करेगा तो ये डायरेक्टली उसकी फोटो कैप्चर कर लेगा, जो आपको बाद में मालूम पड़ जाएगा कि आपकी गैर मौजूदगी में किसने पासवर्ड इंटर किया और किसने आपके मोबाइल को अनलॉक करने की कोशिश किया। दोस्तों आप अपने कैमरे का यूज एक ट्रांसलेटर के रूप में भी कर सकते हैं। वैसे तो दोस्तों आपके कैमरे में कोई ऐसा सॉफ्टवेयर फिट नहीं है जिससे वो लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर पाए, बट दोस्तों आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए। मान लो दोस्तों अगर आप किसी दूसरे स्टेट में जाते हैं या फिर दूसरी कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पे अगर बोर्ड में कहा कुछ वर्ड लिखे हैं, कुछ चीज़ें लिखी हैं जिसको आपको पढ़ना है, पहली बात तो आप किसी भी ट्रांसलेटर में उसको टाइप करके उसको ट्रांसलेट कर नहीं सकते। इसके लिए आप अपने कैमरे का यूज कर सकते हैं। गूगल ट्रांसलेट में आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, डायरेक्टली आप फोटो खींच के किसी भी लैंग्वेज को किसी भी दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों कितना हेल्पफुल हो जाता है कि आप अपने कैमरे की मदद से किसी भी लैंग्वेज को किसी भी दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर पा रहे हैं। दोस्तों क्या आपको मालूम है कि आप अपने मोबाइल के कैमरे को एक स्कैनर के रूप में भी यूज कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, क्या आपने जगह भी जानने की कोशिश किया है कि जब भी कोई आप सामान लेते हो तो उस पर एक क्यू आर कोड बार कोड लगा होता है, तो उसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है? तो दोस्तों इसके लिए आपको करना क्या होगा, सिंपली प्ले स्टोर से क्यू आर कोड बार कोड नाम का एक एप्लीकेशन आता है जिसको आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना होगा। फिर दोस्तों आपका मोबाइल का कैमरा बन जाएगा एक स्कैनर, जिससे आप स्कैन करके मालूम कर सकें कि उस क्यू आर कोड बार कोड के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है। दोस्तों अगर मैं आप बोलूं कि आपके मोबाइल का कैमरा आपके मैथ के सवाल को सॉल्व कर देगा तो शायद आप मेरी बातों को यकीन नहीं करेंगे, बट दोस्तों हाँ, आप अपने मोबाइल के कैमरे का इस्तेमाल कर सकते हैं मैथ के सवाल को सॉल्व करने के लिए। आपको सिंपली करना क्या होगा, प्ले स्टोर से एक फोटो मैथ करके एप्लीकेशन आती है उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना होगा। फिर उसके बाद अपने वो कैमरे को लेके जाइए सवाल के आगे, बस आपके सामने सवाल का रिजल्ट मौजूद है। तो दोस्तों देखिए कितना आसान है, आप अपने कैमरे के इस्तेमाल से किसी भी मैथ के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, वो भी चुटकियों में। तो बहुत ही बेस्ट यूज है ये कैमरे का। दोस्तों क्या आपको मालूम है कि आप अपने मोबाइल के कैमरे से चोरों को भी पकड़ सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, आप अपने मोबाइल को एक सीक्रेट सीसीटीवी कैमरा बना के चोरों को भी पकड़ सकते हैं। आपको सिंपली करना क्या होगा, मोशन डिटेक्टर नाम का एक एप्लीकेशन आता है जो कि आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर देना होगा, और अपने मोबाइल को कहीं भी रख दो, एक्टिवेट करने के बाद कहीं भी रख दो तो वो उस पूरे एरिया की रखवाली करते रहेगा, और जैसे ही कोई भी आपके सामान को टच करने की कोशिश करेगा, टच तक भी नहीं कर पाएगा, आपको तुरंत एक फ़ोटो आ जाएगा आपके मोबाइल में कि आपके मोबाइल को कोई भी चोरी करने की कोशिश कर रहा है, और डायरेक्टली आप उस चोर को पकड़ लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप कुछ बेस्ट यूज कर सकते हैं अपने मोबाइल के कैमरे का। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आशा करता हूँ कि आप, मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो बेशक एक लाइक जरूर होना चाहिए दोस्तों आपकी तरफ से, और दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको वीडियो अच्छा लगा बुरा लगा, और साथ में दोस्तों वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, और साथ में वो घंटी वाली बटन को भी दबा दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले और भी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, गुड डे एंड टेक केयर।